पिछले साल नवंबर के दौरान मंडियों में कपास की आवक 2 से सवा 2 लाख गांठ की थी, जो कि घटकर इस बार 1 लाख गांठ रह गई है। उक्त अवधि के दौरान पिछले साल 5 लाख गांठ कपास का निर्यात भी हुआ था, जो इस बार घटकर 1 लाख गांठ रह गया है। यानी किसान सस्ते में अपनी उपज बेचने से बचते हुए कम मात्रा में बाजार में अपनी फसल ला रहे हैं, जिसके चलते पशु चारे की सबसे अधिक मांग को पूरा करने में बिनोला खल का योगदान कम होता दिखाई दिया है। देश में सर्वाधिक मात्रा में यानी लगभग 110 लाख टन बिनोला खल निकलता है। वहीं आयातित तेलों के दाम लगभग आधा टूट जाने से सरसों, मूंगफली और बिनोला की तेल पेराई मिलों को पेराई करने में नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोयाबीन केडी ऑयल के डीओसी की मांग नहीं है, ऐसे में मवेशियों के चारे के लिए खल की कमी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जानकारों का मानना है कि यही वजह है कि डेयरी कंपनियां दूध के दाम लगातार बढ़ा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार पामोलिन और अन्य सस्ते आयातित खाद्य तेलों के आगे कोई देसी तेल नहीं टिक पा रहा। सरकार को जल्द से जल्द सूरजमुखी और अन्य आयातित तेलों पर आयात शुल्क अधिक से अधिक लगा देना चाहिए, ऐसा जानकार मानकर चल रहे हैं। और इस कदम से उनका कहना है कि देश के तेल तिलन उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। जिस पामोलिन का दाम लगभग 6 महीने पूर्व $2150 प्रति टन था, अब वो कांडला बंदरगाह पर $1020 प्रति टन रह गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस सस्ते आयाती तेल के आगे देश के किसान अपनी अधिक लागत वाली तिलन फसल कौन से बाजार में बेचेंगे, ऐसे में तो किसान हतोत्साहित होंगे और तेल तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की बात बेमानी हो जाएगी। जानकारों का कहना है कि सरकार को तेल तिलहन बाजार की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, तभी स्थिति को काबू में लाया जा सकेगा। विदेशों में जब तेल तिलहनों के दाम मजबूत थे, उस वक्त सरकार ने सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क शून्य कर दिया, सीपीओ पर 5.5% का नाममात्र आयात शुल्क कर दिया, जो पहले 41.25% था। सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क पहले 38.5% हुआ करता था। अब जब विदेशों में तेल तिलन के दाम टूट कर लगभग आधे रह गए हैं, तो सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही। सस्ता आयाती तेल हमें कभी आत्मनिर्भरता की राह पर नहीं ले जाएगा, ऐसे में जानकारों का कहना है कि जबकि इसके उलट देशी तेल हमें खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता दिलाने के साथ साथ मुर्गी दाने और मवेशी चारे के लिए महत्वपूर्ण खल और डीओसी भी उपलब्ध कराएंगे। सीपीओ से कोई खल हमें फिलहाल नहीं मिल रहा, संभवतः इसी कारण से इस बार डी ऑयल्ड केक यानी डीओसी का आयात भी करना पड़ रहा है। देश में तेल आयातक तो पहले ही धराशायी हो चुके हैं। उनका कहना है कि किसान इस बार सोयाबीन बीज की महंगे में खरीद करने को बाध्य है। किसानों ने सोयाबीन बीज की खरीद लगभग 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास की थी, अब जब फसल बाजार में बिकने की आई है तो वही दाम वायदा कारोबार में 5,400 से 5,500 रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अब महंगे दाम में बीज खरीद करने वाले किसान करे तो क्या करे, क्योंकि मौजूदा दाम वैसे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है, पर बीज की खरीद भाव के मुकाबले इसके बाजार में दाम आधे रह गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मुर्गी दाने और मवेशी चारे के लिए सूरजमुखी के डीओसी और इसके खल का चलन है। देश में तिलहन उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिले और खरीद की सुनिश्चित खरीदी की व्यवस्था तय की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।